हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक बेस्ट फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप सिर्फ एक क्लिक में बेस्ट फोटो एडिटिंग कर पाओगे। इस एप्लीकेशन में आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है और गाइस इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। आप अलग अलग इफेक्ट के फोटो एडिटिंग कर पाओगे सिर्फ एक क्लिक में। तो अगर आप एक क्लिक में बेस्ट फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना होगा फोटो एडिटर प्रो। जैसे आप फोटो एडिटर प्रो सर्च करोगे आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद आपको फर्स्ट वाला एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा फोटो एडिटर प्रो, तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। आप इस एप्लीकेशन को अच्छे से देख लीजिए। ये एप्लीकेशन 5 मिलियन प्लस डाउनलोड है और इसे 4.6 की रेटिंग मिला है, तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट वहां से इसे इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन करना होगा। जैसे आप इसे ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। उसके बाद आपको बहुत सारे फ़ोटो देखने को मिल जाएगा, तो आप जैसा भी फ़ोटो बनाना चाहते हो आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है और काफ़ी अच्छा अच्छा इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है। तो आप जिस तरह के फ़ोटो बनाना चाहते हो सिंपल आपको उसी पर क्लिक करना होगा। चलिए मैं आपको फोटो बना के दिखा देता हूँ। उसके बाद कैसे आपको कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ अपना फोटो सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिक आपका काम कर देगा। तो चलिए मैं फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर आप देख सकते हो ऑटोमेटिक मेरा फोटो बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद आप चाहो तो इसे एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट करने के बाद कैसे आपको ऊपर में एक अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके इसे अपने फ़ोन की गैलरी में सेव कर सकते हो। चलिए मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। तो कैसे ये मेरे फ़ोन की गैलरी में सेव हो चुका है। अगर आप इसे और भी एडिट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा एडिट दिस फोटो। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। क्लिक करने के बाद कैसे आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नीचे में क्रॉप का, दूसरा में फिल्टर का। अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो आप इसे एडिट कर सकते हो, और अगर आप इसका फिल्टर चेंज करना चाहते हो तो फिल्टर को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक फ़िल्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप फिल्टर चेंज कर सकते हो। चलिए मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर देखने को मिल जाएगा, तो आपको जो भी पसंद आता है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको फिर से अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद ये आपके फ़ोन की गैलरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना होगा। बैक आने के बाद कैसे आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो चलिए मैं इस पर भी क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो कैसे आप देख सकते हो यहाँ पर और भी बहुत सारी इफेक्टेड है। यहाँ पर कैसे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और कैसे अगर आप मैजिक वीडियो बनाना चाहते हो तो आपको मैजिक वीडियो बनाने का भी ऑप्शन मिलता है। और भी कैसे आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप सभी ऑप्शन को देख लीजिएगा। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप चाहो तो वहाँ से इसे इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो कैसे मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।